प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कलांश लेकर के। पिछले कलांश में हम इसका पाठ 5 पढ़ रहे थे, मिठाई वाला। हमने पढ़ा कि जैसे कि गलियों में बेचने आते हैं ना खिलौने वाला, तो एक गलियों में घूमता हुआ खिलौने वाला पहले खिलौने बेचने आता है और सभी बच्चे बड़े चाव से उसके खिलौने लेते हैं और वो बड़े सस्ते में सबको खिलौने दे जाता है और बड़ी मीठी आवाज़ में वो अपनी आवाज़ लगाता है कि खिलौने वाला आ गया। इस तरह सभी बच्चे छोटे छोटे जो तुतला के बोलते हैं वो भी उनसे खिलौने लेने जाते हैं और वो सबको बड़े सस्ते में खिलौने दे देता है। और वो पहली बार तो जैसे खिलौने लेके आया था, दूसरी बार जब आया तो वो मुरली बेचने के लिए आया, मुरलियाँ लेके आया था। तो वो उस मुरली की आवाज़ लगा रहा था कि मुरली ले लो, तो जो बच्चे थे वो मुरली लेने के लिए तोतली आवाज़ में उसके पास जाते हैं और मुरलियाँ लेने के लिए वो तोतली आवाज़ में उससे पूछते हैं कि मैं भी मुरली लूँगा, है ना। और एक रोहिणी का परिवार होता है ना, तो वो जो माता जी होते हैं वो देखते हैं कि ये मुरली जो पहले खिलौने वाला आया था वही अब मुरली बेचने वाला आया, उसकी आवाज़ से उसको पहचान लेते हैं। तो वो उसको देखना चाहती है कि ये इतने सस्ते में क्यों दे जाता है, तो वो उसको पहचान लेती है कि ये वही वाला भैया है जो पहले खिलौने बेच के गया था, अब मुरली बेचने आया है। तो हमने ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ तक ये पढ़ा था कि एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली। तो यानी कि सब वो जो बच्चे तो तुतला के बोलते हैं कि हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, तो जो मुरली बेचने वाला आया था ना वो बड़ा खुश हो गया कि सब बच्चे मुरली लेंगे। तो वो बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। तो मुरली वाला कहता कि मैं सबको दूंगा बच्चों, एक एक को बारी बारी से दूंगा, है ना, जल्दी मत करो और मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो बेचने ही आया हूँ, मेरे पास बहुत सारी मुरलियाँ हैं, यानी कि 57 है, एक दो थोड़ी है, सबको मिल जाएगी। हाँ बाबू जी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो वो जो बाबूजी थे रोहिणी के पति, उन्होंने पूछा उससे कि कितने की है मुरली, तो उसने कहा 3 पैसे की है पर आपको 2 पैसे की दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। हाँ, तो उन्होंने मन ही मन सोचा ये देता तो सबको यही भाव से है, मेरे को कह रहा है कि आपको 2 में दे दूंगा, दे तो सबको ही 2 पैसे मेरा है। तुम लोग फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, वो मतलब एकदम से जो मुरली वाला था वो एकदम से हैरान होके बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। हाँ, मुरली वाला सही कह रहा था, मुरली वाला कह रहा भी बाबूजी आपको पता नहीं है इसकी लागत तो और भी ज़्यादा लगती है, पर हम ये ग्राहक का ना असूल होता है क्या कि वो दुकान वाला होता है ना, चाहे कितनी भी सस्ती चीज़ दे हम सोचते हैं कि इसने हमारे को ठग लिया, लूट रहा है हमारे को, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो वो मुरली वाला कहता है कि सच पूछोगे ना तो इसके 2 पैसे ही दाम है और मैंने तो 1000 बनवाई थी इसलिए सस्ती पड़ी है, तो इसका भाव ये है लेकिन और कहीं से ये इतनी नहीं मिलेगी। विजय बाबू बोले अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल के दे देता। वो जो मुरलियाँ थी, वो जो बांसुरियाँ थी ना, वो कई रंगों की थी, जो भी बच्चा जो रंग पसंद करता वो उसको निकाल के दे देता।
यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह है नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ये निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ऐसे वो सब बच्चों को मुरलियाँ देते रहा ना, पैसों का हिसाब करता रहा, और जिसके पास पैसे नहीं थे उसको भी उसने दे दी, और इस तरह फिर वो मुरली वाला आगे चला गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं देखा, कभी नहीं आया। हाँ सही बात है, बच्चों से वो इतने प्यार से बातें करता था। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। सही बात है, वो बेचारा अपने पेट का गुजारा करने के लिए ये काम करता था। आदमी तो भला लगता है, रोहिणी ने सोचा कि सस्ते में सामान दे के जाता है और सब बच्चों से बड़े प्यार से बात करता है। इसी तरह इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस तरह वो जो मुरली वाला था वो दूसरी गली में उसका धीरे से स्वर सुनाई दिया, क्योंकि दूसरी गली में चला गया ना दूर से, तो उसका धीमा स्वर सुनाई दिया। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहाशक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया, धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होगी। इस तरह मुरली वाला जो था उसका बड़ा मीठा स्वर था, और रोहिणी भी उसे सुन करके बड़ी प्रसन्न होती थी, और वो जो उसकी बातें थी बच्चों के साथ वो बड़ी याद आती थी। और बहुत महीने बीत गए, फिर मुरली वाला वापस नहीं आया, और धीरे धीरे तो फिर उसकी याद भी भूल गया है ना। तो गली में जो फेरी वाले आते हैं हम उनको कितना याद कर रखते हैं ना। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, शेष पाठ हम अगले कलांश में पढ़ेंगे। और पिछले कलांश में मैंने आपको इसके चार प्रश्न भेजे थे जो कहानी से थे, ये देखिए आप नीचे पाठ के, ये कहानी से जो थे ना आठ प्रश्न हैं इसके, तो चार के प्रश्न उत्तर मैंने इसके साथ पीडीएफ फाइल बना के भेजी थी, और आज मैं आपको पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, ये जो चार प्रश्न हैं इनके उत्तरों की पीडीएफ फाइल मैं इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। तो आज का आपका गृह कार्य ये है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी पक्की कॉपी में करने हैं। शेष जो प्रश्न उत्तर होंगे वो हम अगले कलांश में करेंगे, और शेष जो पाठ बच गया वो भी हम अगले कलांश में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।